वेलकम टू योर ओन चैनल जिसका नाम है डिस्कवर नॉलेज। मैं हूँ आप लोगों की ईशा। वेल पीपल, दिस इज द थर्ड चैप्टर, ठीक है, थर्ड चैप्टर है ये इक्वालिटी जो हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम सेकेंड बुक फॉर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, उसके हम दो चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दैट इज, फर्स्ट वॉज पॉलिटिकल थ्योरी एंड द सेकेंड वन वॉज फ्रीडम, ठीक है। ये चैप्टर है इक्वालिटी, इसका पहला टॉपिक दैट इज व्हाट इज इक्वालिटी का हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। आई होप आप सबने वो सारी वीडियोस को फॉलो किया है एंड हैव लाइक द सेम। एंड अगर लाइक करी है तो सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, प्लीज 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 हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बिगिन करते हैं आज की वीडियो, दैट इज ऑल अबाउट द डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी के कुछ डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस का मतलब क्या है बेसिकली, डायमेंशंस का मतलब हुआ कि किस तरीके से लेवल्स हैं या स्कोप है इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में। एक सिंगल लाइन लिख देना या एक सिंगल स्टेटमेंट लिख देना इज नॉट समथिंग जो किसी भी चीज़ को डिफाइन करता है, उससे बहुत सारे रिलेटेड एस्पेक्ट्स जुड़े हुए होते हैं और वही इक्वालिटी के साथ भी है। सो द फर्स्ट एस्पेक्ट कह लो या डायमेंशन कह लो इक्वालिटी का इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, देखो पॉलिटिकल जब वर्ड आता है फर्स्ट थिंग जनरली, ठीक है, सभी के दिमाग में वो चीज़ क्या आती है, दैट इट्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल से रिलेटेड ज़्यादातर हम पॉलिटिक्स को कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं, इट्स अ नेचुरल थिंग। लेकिन एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पॉलिटिकल कहीं भी वर्ड आए उसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से इंक्लूड ना करो, रिलेट दैट वर्ड इन फैक्ट विथ द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, द पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल। और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल सिटीजनशिप प्रोवाइड करना, इक्वल लीगल राइट्स प्रोवाइड करना जो हर एक इंडिविजुअल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि क्या क्या होते हैं लीगल राइट्स, क्या होते हैं ये पॉलिटिकल राइट्स, ऑब्वियसली राइट टू वोट, एक इंसान का अपनी अपनी कंट्री में अपने ही डेमोक्रेटिक सेटअप में एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल सिनेरियो में इन्वॉल्वमेंट कहाँ कितना कैसा है, दैट इज ऑल अबाउट इट, है ना, द राइट टू वोट। बट क्या सिर्फ ये राइट टू वोट सिर्फ हमारे लिए पॉलिटिकल राइट्स की गारंटी है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है क्या, अगर हम कहते हैं कि इक्वालिटी को इक्वालिटी तो सबको इक्वल राइट्स होता है उसका मतलब अगर ये है तो फिर ये जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है या कह सकते हैं ये इक्वल राइट्स देना इन टर्म्स ऑफ लीगल राइट्स या राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट समबडी जो आपका रिप्रेजेंटेशन सही से कर सके, मुझे लगता है मेरे लिए शायद एक्स वाई जी कोई भी कैंडिडेट सही नहीं है तो मैं चाहूँगी कि मेरे ही कोई कास्ट का या मेरे ही कोई क्षेत्र का हो जो मेरे लिए मेरा रिप्रेजेंटेशन करे तो मैं उसके लिए वोट दूंगी। तो राइट टू वोट तो आपके पास है, एक वोट देने का अधिकार तो आपके पास है, तो फिर क्या सिर्फ इसी से इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो जाती है या क्या फिर इससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ ठीक है फिर इसके बाद किसी भी तरह की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। एंड दैट इज समथिंग दैट इज कवर्ड इन सोशल इक्वालिटी। आपने ये अपॉर्चुनिटी तो दे दी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा लॉ कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के पास एक राइट टू वोट है, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपकी हाउसमेट हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो प्यून हो, चाहे वो कोई भी हो, काम कोई भी करने वाला हो, सबको एक राइट टू वोट है। अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स एवरी वन इज एंटाइटल्ड टू वोट। बट क्या सिर्फ इसी से हमारी इनइक्वालिटीज ख़त्म हो जाती हैं, नहीं, इनइक्वालिटीज तो तब भी एग्जिस्ट कर रही हैं ना, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं कि हमारी जो कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो प्रॉपर तरीके से उन्हें फुलफिल नहीं कर पाते या कह सकते हैं उन रिक्वायरमेंट्स को अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो उनके पास क्यों क्योंकि उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आप मैं हमारे पास एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है,
लेकिन यही आप सोच लो कि जो स्लम एरिया में रहते हैं उनके बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिल गई जितना आपको है जितना मुझे है, क्या हम सबके जैसे इक्वल हो गए? वो नहीं हुए ना। सिर्फ एक ये कह देने से कि आपके पास एक राइट टू वोट है और इस टर्म में आप इक्वल हो, लेकिन उससे इनइक्वालिटीज तो खत्म नहीं हुई ना। उससे क्या उनकी सिचुएशंस चेंज हो गई? नहीं हुई। तो हमने उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे और क्या क्रिएट करी कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपनी सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सके, सिचुएशंस को बदल सके? ये भी बहुत बड़ा मैटर है। तो वही कॉन्सेप्ट्स हैं वो सोशल इक्वालिटी में इन्वॉल्व होते हैं। और वहीं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इनकम गैप बहुत ज़्यादा है। ये जो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है ये आपके मेरे लिए हलक होगी, लेकिन जो इंडिविजुअल पॉवर्टी लाइन में रह रहा है उसके लिए तो पॉवर्टी लाइन की इक्वेशन या की जो डेफिनेशन है वो तो बहुत अलग होगी ना हमसे। क्यों? क्योंकि वो उन सिचुएशंस को डील कर रहा है। तो ये जो रिच और पुअर के बीच का जो इनकम गैप है इसका ज़रूरी है फुलफिल होना। ठीक है, तो ये तीन डायमेंशन हैं इक्वालिटी के। नेक्स्ट आप हम समझेंगे कुछ तरीके हैं जिनसे इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सकता है। प्रमोट मतलब क्या? प्रमोट मतलब कि हम उसे पॉपुलराइज करें, इक्वालिटी को लोगों तक, हर लेवल तक, हर क्षेत्र तक, हर सेक्शन तक पहुंचाएं। वो क्या तरीके हैं? उसके कुछ तरीके हैं, उसको प्रमोट करने के कुछ मेथड्स हैं। वो क्या हैं? ए, एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। बी, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट। अगर किसी को लगे कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट, या जैसे सपोजिंगली एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो डिसएडवांटेज लोग हैं या कह सकते हैं जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए आप स्पेशल रैम्प्स बनवाते हो, आप स्पेशली उनके लिए सीढ़ियाँ बनवाते हो, या ऐसे पेवमेंट्स बनवाते हो जो उनकी व्हीलचेयर को किसी लेवल तक पहुँचा सके। उसके बाद देखें कैरी ऑन, राइट? तो क्या ये आपको लगता है कि ये इक्वल ट्रीटमेंट देना है, या क्या ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है लोगों को? आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरत है। जैसे हमने पहले पहली स्लाइड में पढ़ा था, जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे हम, उसमें हमने समझा था कि लोगों को डिफरेंट ट्रीट करना, या कह सकते हैं इक्वल ट्रीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने इक्वालिटी को इस्टेब्लिश ही कर लिया। या अगर आप इसको इस सेंस में समझो, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, कहीं ना कहीं ये स्पेशल ट्रीटमेंट, मैं आपको एक बार वो स्लाइड दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखो, हाउएवर ट्रीटिंग पीपल विद रिस्पेक्ट डज नॉट मीन ट्रीटिंग देम आइडेंटिकली। लेकिन ये जरूरी है कि ये डिस्टिंक्शन, जो क्वेश्चन था कि कौन सा कितना डिस्टिंक्शन होना चाहिए एक इंडिविजुअल के ट्रीटमेंट में, उसको ज़रूरत है प्रोवाइड करने के लिए कितने डिस्टिंक्शंस, या कितना जो हम कह सकते हैं इक्वल ट्रीटमेंट या इनइक्वल ट्रीटमेंट ज़रूरी है या नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि डिसेबल्ड लोगों के लिए आप ऐसा नहीं है कि आपने अगर उनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, या कुछ आपने उनको प्रोवाइड किया स्पेशल, उनके लिए कंस्ट्रक्ट किया है, दैट डज नॉट मीन कि आप और लोगों के साथ इनइक्वालिटी कर रहे हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दोज पीपल टू बी ट्रीटेड दैट वे कि इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो सके। एंड आई एम हाईली इन फेवर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड बच्चे जो एक साथ पढ़े। क्यों? क्योंकि उनकी उनकी क्या इक्वालिटी, क्या यहाँ पे हम इक्वालिटी नहीं करते, इनइक्वालिटी नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन अगेन वही चीज़ आ जाती है कि ऐसे बच्चों के इनइक्वल ट्रीटमेंट, कि उनके लिए अलग स्कूल होना, उनके लिए एक सेपरेट स्कूल होना ऑल टुगेदर, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये हमारे नॉर्मल स्कूल में रह करके नहीं सीख सकते, राइट? तो इसलिए ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। एंड लास्टली आपका अफर्मेटिव एक्शन। डोंट वरी, नहीं समझ में आया, आई नो। इन तीनों को हम एक कॉम्प्रिहेंसिवली अलग वीडियो में समझेंगे। टिल देन आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आपने समझा होगा कि पूरा क्या कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का। ठीक है, एंड सो ये थ्री डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी भी आपको क्लियर होंगे। एंड
If so, please hit the like button and subscribe to the channel, everyone. Stay tuned, keep liking, keep subscribing, and keep studying, everyone. Thank you so much.